मैं हूं अश्विन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज। रॉस टेलर ने खेला आखिरी मैच अपने देश के लिए। 4 अप्रैल को खेला गया था न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स के बीच आखिरी ओडीआई मैच सीरीज का। ये रॉस टेलर का आखिरी इंटरनेशनल मैच था अपने देश के लिए। 38 के उम्र के टेलर ने अपने टीम न्यूजीलैंड को काफी जीत पाने में मदद किए थे। उनके रिटायरमेंट पर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स ने भी अपनी बधाई देते हुए उनकी तारीफ की और उनके न्यूजीलैंड के लिए कंट्रीब्यूशन को एड्रेस किया। न्यूजीलैंड के टीम को रॉस टेलर नए ऊंचाइयों पर लेके गए थे। रॉस टेलर एक अनसंग और अंडररेटेड हीरो थे उनकी टीम के, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था खेल के लिए। लखनऊ ने हैदराबाद को हराया 12 रन से। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने बैटिंग करते हुए 169 लगाए स्कोर बोर्ड पे 7 विकेट के नुकसान पे। फिर सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करते हुए करीब तो पहुंची, लेकिन पार नहीं कर पाई 170 के टारगेट को और 157 तक सीमित रही 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे। इस जीत के साथ अब लखनऊ सुपर जायंट्स टेबल में 5th पे आ चुकी है पंजाब के नीचे। राजस्थान, कोलकाता, गुजरात और पंजाब है फिलहाल टेबल के टॉप 4 टीम्स। जडेजा नहीं है सीएसके के कैप्टन। धोनी ने इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले अपनी कैप्टेंसी छोड़ के जडेजा को दे दी थी ये जिम्मेदारी, जिसके बाद सीएसके लगातार इस सीजन के अपने पहले 3 मैच हार चुका है। इसके बाद से कई लोगों ने कहा कि भले ही जडेजा कैप्टन है, लेकिन डिसीजंस अब भी धोनी ही ले रहे हैं। अजय जडेजा ने पहले कहा कि ऐसा लग रहा है कि धोनी ही अब भी कैप्टन है और अब हरभजन सिंह का भी यही कहना था कि धोनी ही कैप्टन लग रहे हैं और जडेजा को अपने लिए खड़ा होना चाहिए। आर्सेनल को मिली एक तगड़ी हार। 5 अप्रैल को खेले गए आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस के बीच मैच में आर्सेनल को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। मैच के स्टार्ट से ही क्रिस्टल पैलेस ने मैच में अपनी पकड़ बना के रखी थी। 16th मिनट पे पहला गोल करके क्रिस्टल पैलेस ने एक अच्छी बढ़त पा ली थी और फिर 24th मिनट पे एक और गोल करके क्रिस्टल पैलेस एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया था, जिसके बाद 74th मिनट पे एक और गोल करके क्रिस्टल पैलेस ने जीत कंफर्म कर ली थी और आर्सेनल 3-0 से हारा। इगा स्वियातेक बनी पहली नंबर 1 रैंक्ड पोलिश टेनिस प्लेयर। सैटरडे को नाओमी ओसाका को हरा के इगा जीती मायामी ओपन। इस जीत के साथ इगा 17 मैच के विन स्ट्रीक पे अब आ चुकी है। एक हफ्ते पहले ही वो जीती थी इंडियन वेल्स और फरवरी में जीता था कतार ओपन दोहा में। 20 साल की स्वायतेक ने एशले बार्टी के रिटायरमेंट के बाद लिया उससे ये नंबर 1 का पोजीशन। थैंक यू।